हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एथर 450X के बारे में। एथर 450X अभी इंडिया की सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ये परफॉर्मेंस के मामले में एक 150cc की स्कूटर को भी बीट कर देती है। इसमें हमें चेसी माउंटेन मोटर मिलता है जो कि 6 kW की पीक पावर अचीव कर लेता है और 26 Nm यहाँ पर टॉर्क है। इसका टॉर्क इतना ज़्यादा है कि ये 0 to 40 की स्पीड 3.3 सेकेंड में अचीव कर लेता है और 80 किलोमीटर यहाँ पर इसकी टॉप स्पीड है। इसका मोटर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है जो कि IP66 की रेटिंग के साथ आता है। एथर 450X में बैटरी पैक में काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है। इसमें अब जो सेल्स यूज होती हैं वो बिल्कुल ही न्यू जनरेशन की हैं। ये बिल्कुल वैसी ही सेल्स हैं जैसा कि टेस्ला की कार्स में यूज़ होती हैं। इसके बैटरी पैक्स भी IP67 की रेटिंग के साथ आते हैं और इसमें हमें 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। इसकी जो 2.9 kWh की लिथियम आयन बैटरी है वो लगभग 5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है और फास्ट चार्जिंग के साथ 1.5 km पर मिनट की स्पीड से चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने पर 116 km तक का रेंज दे देती है। एथर 450X में बैटरीज को फ्लोर बोर्ड में प्लेस किया गया है जिससे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाती है, जिससे कि ओवरऑल इस स्कूटर को हैंडल करना, बैलेंस करना इजी हो जाता है। इसमें 7 इंच का स्मार्ट स्क्रीन मिलता है जिसका चिपसेट पुराने वर्जन से 30% फास्टर है। ये स्क्रीन पहले लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता था लेकिन अब इसे एंड्रॉयड बेस्ड कर दिया गया है। इसका टच रिस्पॉन्स भी पहले से बेहतर है, ग्लव हैंड्स में भी इसका टच अब काम करेगा। अदर स्मार्ट फीचर्स की बात करूं तो इसमें हमें GPS, जियो फेंसिंग, ऑटो कैंसल ब्लिंकर्स, ब्लूटूथ, कॉल कनेक्टिविटी, फाइंड माई स्कूटर और डार्क मोड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें हमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंस मिलता है और रियर में मोनोशॉक ऑफ सस्पेंस मिल जाता है। इसमें हमें फ्रंट में LED हेडलाइट मिल जाती है और वहीं पर आप देखेंगे LED ब्लिंकर्स भी हैं। पीछे की टेललाइट भी LED की है। 770 mm इसकी सीट हाइट है और सीट के नीचे हमें 26 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इसके बूट स्पेस में एक LED हेडलैम्प भी है जिससे कि अंधेरे में सामान रखने में आपको कोई भी इशू ना हो। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मेटल यूज़ नहीं किया गया है, कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है जिससे कि ये स्कूटर अपने पुराने वर्जन से 11 kg लाइटर हो गई है। लाइटवेट होने से और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होने से इसकी ग्रेडिबिलिटी भी बढ़ गई है। अब इसकी ग्रेडिबिलिटी हो गई है 20 डिग्री। इसमें हमें 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्पेस ग्रे, मिंट ग्रीन एंड वाइट। यहाँ पे एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन सीरीज 1 स्कूटर भी है जिसका कलर ग्लॉसी ब्लैक है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एथर 450X का ऑन रोड प्राइस है 1.59 lakh rupees। अलग से आपको इसमें सब्सक्रिप्शन चार्ज भी देना पड़ता है जिससे कि ये स्कूटर थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एथर 450X एक बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन इसके लिए हमें प्राइसिंग भी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। खैर, अगले साल एथर 450X की राइवल आने वाली है जिसका नाम है सिंपल मार्क 2। सिंपल मार्क 2 स्कूटर अगले साल फरवरी के मंथ में आने वाली है जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।